या गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। यस हाँ, मैं बताती हूँ। पॉलिटिकल साइंस की क्लास है ये। यस पॉलिटिकल साइंस। ओके उल्टा दिखाई दे रहा है। यस पॉलिटिकल साइंस 11th क्लास। और ये मैं फर्स्ट बुक का चैप्टर आपको कराने वाली हूँ। और फर्स्ट बुक कौन सी बता रही हूँ मैं आपको? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क। यस फर्स्ट चैप्टर इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ, राइट? ये पॉलिटिकल साइंस की 11th क्लास की क्लास है बच्चों। या गुड आफ्टरनून एवरीवन। यस लेट्स कम बैक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आज हम पढ़ेंगे। एंड आई टीच यू ऑन पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशन। यस पॉलिटिकल साइंस राजीव जी। यस यस बेटा वानी, पॉलिटिकल साइंस की क्लास है ये। आप 11th क्लास के बच्चे हैं। यस वेरी गुड। यस ओके वेरी गुड। लेट्स कम बैक। मेरे प्यारे बच्चों, बताना चाहूंगी, पहले तो मैं आपको टॉपिक्स वगैरह बता देती हूँ कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, राइट? और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, राइट? हाँ, अब ब्लैक बोर्ड नहीं था तो इस पे लिखा है और आप देखिए, राइट? लेट्स हाँ यस बेटा, फर्स्ट देखते हैं। ये लिखा हुआ है इसमें, व्हाई डू वी अ नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। सी हम देखते हैं, हमने अपने आप लोग जैसे 10th क्लास से पास आउट होकर आए हैं तो आपने हिस्ट्री भी पढ़ा होगा, सिविक्स भी पढ़ा होगा बच्चों। तो हिस्ट्री में देखा है आपने कितने हमारे यहाँ पर। यस गुड आफ्टरनून। यस व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट आर इट फंक्शन एंड व्हाट रोल डज इट पर्पस ऑफ द सोसाइटी, मतलब हमें क्यों बनाया, हमने क्यों किया, क्यों बनाया, इसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया। एंड हु डज अ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट, कैसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को किस हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया वो किस कैसे बनाया, कितने हमने स्ट्रगल करके बनाया है, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे, राइट? और ठीक है बेटा। और इसकी बॉडी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडी फंक्शन क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, ये हमने स्टेबलाइज कैसे किया अकॉर्डिंग टू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब हमें प्रॉब्लम कैसे आई थी उसको फेस किया हमने, इसके हम बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? यस मैं आपको बताना चाहूँगी। क्या लिखा है आपने ये मैम? 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। ओह यस बेटा, पूरा चैप्टर इसलिए नहीं कर पाई कि मुझे मुझे मेरी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। यस हाँ मेरे यस प्यारे बच्चों, एक्चुअली नेटवर्क का कभी कभी बीच में दिक्कत आ रहा था, इसलिए अभी भी मैंने क्लास थोड़ा लेट शुरू किया, वो हो ही नहीं रहा था। हाँ जी बच्चों। नो रिंकी मैम नहीं, पिंकी मैम। यस या पिंकी मैम। हाँ यस यस बेटा। हाँ जी हाँ जी। चलिए अब ये हम इंश्योर कैसे करेंगे हमने अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, राइट? हाँ जी लेट्स कम बैक। अब सबसे इम्पोर्टेंट, चलिए
एक्चुअली मैं जब यहाँ पर आपको विजुअलाइज करा रही हूँ, पता नहीं ये आपको, मुझे खुद को ही उल्टा नजर आ रहा है, इसलिए मैंने आपको वीडियो पहले ही से ही इसको पोज करके दिखाया कि ताकि आपको वर्ड्स ठीक से दिखाई दे, है ना। तो व्हाई वी डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, सी देखिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, हम अपने संविधान की अगर हम बात करें, तो हम बहुत पहले कितने जो ब्रिटिश रूल में हम रहे हैं, मैं हालांकि पूरा इतिहास नहीं बताऊंगी आपको, आप जानते होंगे क्योंकि हम जब फर्स्ट सिक्स टू जब नाइन्थ तक पढ़ते हैं तो बहुत टेंथ तक जो हमने पढ़ा है हमें मालूम है कि कैसे क्या है। मंडे को होगी बेटा क्लासेस, मंडे यस यस मंडे होगी। ये फर्स्ट चैप्टर लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे ध्यान से देखा करो, राइट, फर्स्ट चैप्टर, फाइन। अब ज्यादा बातचीत नहीं, आप मैं एक्चुअली जब मैं अपनी क्लास पूरी कर दूंगी उसके बाद आपके क्वेश्चंस लूंगी, अगर कोई प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन से रिलेटेड। मैम ये कौन सी क्लास है, देखिए बहुत अच्छे से लिखा है पॉलिटिकल साइंस 11th क्लास और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे है, अब मैं पढ़ाऊंगी, मैं आपके क्वेश्चन के कोई जवाब नहीं देने वाली, राइट। जब लास्ट में हम जब हम करेंगे पूरा क्लास का जब हो जाएगा बच्चों, तब हम इस पर बातचीत करेंगे, राइट। अभी जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर वो ये है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है। सी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में पहले तो इम्पोर्टेंट है हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। सी हम पहले ब्रिटिश रूल में थे, 1947 से पहले हम जो ब्रिटिश रूल में थे, हाँ, तो हमारे पास कोई इंश्योर करने के लिए हमारे पास रूलिंग जो क्लास जो रूल जो कर रहा था वो ब्रिटिश रूल कर रहा था। अब हमें हमारे ऊपर जो रूल ना करे कोई, हमें अपनी कोई सरकार चाहिए, अपनी कोई गवर्नमेंट चाहिए, जिससे कि हम, तो इसलिए हमारे इंडियन फाउंडिंग फादर्स ने एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क तैयार किया। और ये फ्रेमवर्क कैसे तैयार किया वो मैं आपको सारे डिटेल में बताऊंगी कि कब कब फर्स्ट मीटिंग हुई, कैसे हमारा 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये कंप्लीट हुआ, कितना स्ट्रगल फेस करना पड़ा। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कि दूसरे देशों से हमने, अलग अलग कंट्रीज से हमने कैसे इसको अडॉप्ट किया। बहुत सारे जैसे DPSP है, फंडामेंटल राइट है, और ड्यूटीज है, तो ये सब हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रही, नो इट इज नॉट 11th, देखो 11th क्लास, अच्छा आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा ये, मैं ऐसे कर देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, राइट। तो ये 10th क्यों है, तो ये 11th क्लास का है। तो हमें कैसे जरूरत पड़ी ये मैं बता रही थी कि DPSP, फंडामेंटल राइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, प्रेसिडेंट रूल, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है एंड आर्टिकल, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट है 1935 वाला, वो कितना इंपॉर्टेंट है। स्वराज की हम बात करेंगे, पूर्ण स्वराज की हम बात करेंगे, राइट। किस किस ने, फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा, फॉर एग्जाम्पल भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड जवाहरलाल नेहरू, M.N. रॉय, इस सब जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं। और साथ के साथ जब मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक्चुअली हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है, और दूसरा जो बुक है हमारी पॉलिटिकल थियोरी वाली बुक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के साथ साथ मैं अलग से कुछ और नॉलेज भी आपको मैं दूंगी, जैसे विवेकानंद और डॉक्टर टैगोर साहब, इन्होंने बहुत सारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हैं वो भी बहुत कुछ हमें बताया गया है। तो वो भी नॉलेज में आपके साथ रूबरू करेंगे, हम बातचीत करेंगे कि जैसे मैंने लिटरेचर जो पढ़ी, मुझे पता लगा कि इनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनका कितना बड़ा रोल रहा है। हम खाली इतने ही लोगों का ही नहीं कहेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं लोगों ने बना के तैयार कर दिया, नहीं, इससे पहले भी बहुत कुछ है। जैसे कि हमारे NCERT में जो दिया हुआ है, इसके साथ साथ हम और भी कुछ चीज़ें देखेंगे, राइट। और खाली हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत कुछ देखना है। हाँ कैमरा समझ में उल्टा दिखाई दे रहा होगा, यस मुझे मालूम है। सी अब ठीक है, राइट, यस फ्रंट कैमरा उल्टा दिखाई दे रहा है, अब क्या करें बच्चों। यस बेटा दीपा बेट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या एक्चुअली फ्रेंड, अभी हम क्लास लेते हैं क्योंकि फिर बहुत दिक्कतें आएंगी बीच में, नहीं मेरे यहाँ पर नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप सिर्फ मुझे सुनिए। अच्छा मैं बोल देती हूँ
जैसे व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने जो बात कर रहे थे कि हमें क्यों जरूरत पड़ी और इसके लिए हमें क्या क्या इंश्योर करने पड़े, कौन सी गवर्नमेंट होगी, ये सब चीज़ें हमने देखी, कौन सी बॉडीज, जैसे अभी जो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया उसके हमें हमारे लिए रूल क्या होना चाहिए, फंडा हमें क्या डेमोक्रेसी रूल रखना चाहिए, मोनार्की रखना चाहिए, क्या क्यों ही हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी को रखा, कोई बता सकता है हमें? नो सॉरी बच्चों, मैं अपनी सीटिंग नहीं चेंज कर सकती हूँ बिकॉज मुझे थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए मैं आपका सीटिंग चेंज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो मैंने अपना सेटअप रखा हुआ है उस पर मेरा फ़ोन ठीक से रखा हुआ है, आगे से मैं कोशिश करूँगी उसको ठीक से रखने की। यस हाँ जी, आगे से मैं ये ध्यान रखूँगी। तो हम लोग कहाँ थे कि अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने डेमोक्रेसी को ही क्यों किया, चलो इस पे ही बात करते हैं। जब हमें चैन अब हमने जब डेमोक्रेसी की बात की है तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी बात करते हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ रही है ना। तो डेमोक्रेसी हमने इसलिए रखा क्योंकि हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डाइवर्सिटी एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस बहुत हैं यहाँ पर। फिर मैं बोलूँगी कि यहाँ पर भाषाएँ अलग हैं, कल्चर अलग है, धर्म अलग है, तो इनको सबको यूनाइट करना बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि सब लोग अपना सब लोग अपने अपने सबके अपने अपने फंडामेंट अपने कुछ अलग कल्चर होता है, तो हमारे इंडिया के लिए बहुत मुश्किल था इनको यूनाइट करना, राइट। सो इसलिए हमने एक तो डेमोक्रेसी इतना और सबसे इम्पॉर्टेंट बेटा हम लोगों ने जो डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर लिया ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट था कि पूरे हमारा सबसे सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है कंट्री में, राइट। मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है, मैं यस पता नहीं मुझे बीच में मेरी मेरी पिक्चर जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। पॉलिटिकल साइंस